कूर्स मेले में व्यवस्था सुधारने के लिए एडीएम को दिया ज्ञापन, टूटी हुई नालियां सड़कें में रोड लाइट के लिए दिया ज्ञापन, कांग्रेस सेवा दल ने दिया ज्ञापन। सोमवार को जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में कांग्रेस सेवा दल ने एडीएम को ज्ञापन दिया, जिसमें उर्स मेले से पहले दरगाह क्षेत्र को सुधारने की मांग रखी। ज्ञापन में बताया कि उर्स मेले में हजारों की संख्या में जायरीन आते हैं, इसलिए दरगाह क्षेत्र की टूटी हुई सड़कें, टूटी हुई नालियों की मरम्मत करवाई जाए और रोड लाइट भी जो बंद पड़ी है उन्हें चालू करवाया जाए व सफाई का भी खास ध्यान रखा जाए। ज्ञापन दिया और जैसा कि सभी को पता है ख्वाजा गरीब नवाज का 806वां उर्स आगामी 14 मार्च से शुरू होने जा रहा है। इस उर्स के अवसर पर जो जैसा हमेशा होता है लाखों की संख्या में देश विदेश से जायरीन आते हैं और प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा उर्स मेले की व्यवस्थाओं के नाम पर लाखों रुपए खर्चा किया जाता है, कई तरह की व्यवस्थाओं का समाचार पत्रों में और मीडिया में जानकारी दी जाती है, परंतु अक्सर देखा गया कि वो धरातल पर बिल्कुल नगण्य स्थिति रहती है। उसका कारण यह है कि जब भी उर्स मेला शुरू होता है उससे 10 या 5 दिन पहले नगर निगम के और एडीए के ठेकेदार हैं वो मेला क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करते हैं और मेला क्षेत्र में क्योंकि जब मेले के टाइम में पब्लिक आना शुरू हो जाती है तो वो कार्य स्थायी रूप से नहीं रहते हैं और उखड़ जाते हैं मेले के तुरंत बाद ही, मेले के दौरान ही वो कार्य उखड़ जाते हैं। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय के अनुपस्थिति में एडीएम सिटी साहब को एक ज्ञापन दिया है जिसमें हमने मांग की है कि उर्स मेला 14 मार्च से शुरू होगा और उसमें लाखों की संख्या में जायरीन आएंगे। उर्स मेला क्षेत्र में जो सड़कें हैं और नालियाँ टूटी फूटी स्थिति में उनकी तुरंत प्रभाव से मरम्मत कराई जाए, स्ट्रीट लाइटें जो बंद उनको चालू कराई जाए और जहाँ आवश्यकता हो नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाए, क्योंकि गर्मी का मौसम भी प्रारंभ हो गया। हमने इस ज्ञापन में मांग की है कि मेला क्षेत्र में उर्स मेले के दौरान 24 घंटे पानी की सप्लाई दी जाए, साथ ही जो सफाई कर्मचारी है नगर निगम और एडीए जो सफाई का ठेका देती है, अक्सर देखा जाता है कि सैकड़ों की संख्या में ठेकेदार द्वारा अपनी कर्मचारियों की उपस्थिति दिखाकर बिल उठा लिया जाता है, परंतु धरातल पर काफ़ी कम संख्या में सफाई कर्मचारी उपस्थित रहते हैं तो उसमें काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार भी होता है, ऐसा अक्सर मीडिया के माध्यम से भी और जागरूक लोगों के माध्यम से भी समाचार पत्रों में आता रहता है, मीडिया में आता रहता है। इस संबंध में भी हमने ज्ञापन में लिखा है कि जो सफाई कर्मचारी रखे जाएँ ठेकेदार द्वारा उन पर भी पूरी निगरानी रखी जाए। इस तरह सेवा दल की ओर से आज हमने जिला कलेक्टर महोदय के नाम भी ज्ञापन दिया है।